हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का थर्सडे वीकली एक्सपायरी दिन का इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल फ्राइडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, अभी पहले निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज एक अपन को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जिसको अगर अपन देखें तो वो थी अराउंड 180 पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो शुरू के अराउंड 45 मिनट्स एक हमें रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला था, जिसको अपन इस बॉक्स की मदद से मार्क कर सकते थे, जिसमें कि हमें पूरी रेंज के अंदर साइडवेज मोमेंटम करते हुए देखने को मिला था निफ्टी। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला 10 बजे वाली कैंडल से, वहाँ से एक अपन को छोटा सा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला, जो कि था अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास का, और जिसमें कि हमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट थे वो 22,050 के लेवल के आसपास के थे, और वहीं से एक हमें वापस एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। फिर यहीं पर एक हमें यहाँ पे बोलेंगे इनडिसीजन कैंडल बनी है इस सेम हाई लेवल पे, जो कि हमें मॉर्निंग में देखने को मिला था, और वहाँ से एक अपन को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट हमें अपसाइड का देखने को मिल जाता ये वाले लेवल के ऊपर, तो एक हमें वापस से अपसाइड का एक छोटा सा मोमेंटम वापस देखने को मिल सकता था, पर यहाँ पे हमें इक्वल सेलर्स देखने के कारण यहाँ पे हमें एक इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली, जिसको अपन डोजी कैंडल बोलते हैं, और वहाँ से एक अपन को बहुत अच्छा शार्प फॉल देखने को मिला है। और इस मोमेंटम के बाद की बात करेंगे तो सिर्फ हमें इस पूरे रेंज के अंदर ही साइडवेज मोमेंटम करते हुए देखने को मिला है निफ्टी, जिसमें कि सिर्फ हमें प्रीमियम डिके देखने को मिला होगा, और आज एक्सपायरी है तो हमें एट द मनी के प्रीमियम जीरो होते हुए देखने को मिले होंगे, और लास्ट में हमें निफ्टी क्लोजिंग अराउंड 22,000 के लेवल के आसपास की आज के दिन देखने को मिलेगी। तो ये था निफ्टी का थर्सडे वीकली एक्सपायरी के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो आज की हमें कैंडल देखने को मिली वो भी अभी एक हमें इनडिसीजन ग्रीन कैंडल बनती हुई देखने को मिली, जिसमें कि हमें दोनों तरफ से इक्वल रिजेक्शन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल बुलिश लेवल है वो पहले यही वाला लेवल है, जो कि है 22,200 का लेवल, क्योंकि जब यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था तो इसी लेवल से वापस रिजेक्शन लेने के बाद फिर एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 22,200 के कॉल सेलर्स का हमें स्टॉप लॉस रेट होते हुए देखने को मिला, वहाँ से एक हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है सीधे ऑल टाइम हाई तक का, जो कि है 22,526 का, और ऑल टाइम हाई के बाद अपन को 22,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की अगर अपन बात करें तो अपन डाउन साइड का मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब ये लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले डेली टाइम फ्रेम की कैंडल में, जो कि है 21,710 का लेवल, जहाँ से हमें सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला था वेडनेसडे के दिन। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो एक अपन को वापस थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि सीधा टारगेट फिट रहेगा 21,500 का, साइकोलॉजिकल लेवल में नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, और सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच में रहेगा तो यहाँ पे ऐसे ही हमें वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमें आज और कल देखने को मिला कि हमें ऊपर का भी मोमेंटम इक्वल देखने को मिला, वैसे ही हमें डाउन साइड का भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल फ्राइडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अपन आ गए निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि अराउंड 22,080 का लेवल, तो इसके ऊपर एक अपन को बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में कल के दिन, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला स्विंग लेवल, जो कि है 22,125 का लेवल, और अगर इसको ही ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि है 22,200 का लेवल, जिसको अभी अपन ने डेली टाइम फ्रेम में भी डिस्कस किया था इस लेवल के बारे में। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो एक अपन को बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि है 22,260 का लेवल, और जो अपना फोर्थ टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 22,360 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 22,450 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 22,080 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मूवमेंट अपन कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि है 21,940 का लेवल, तो इसके नीचे एक अपन को डाउन साइड की मोमेंटम ट्रिगर होते हुए देखने को मिल सकती है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा ये अपन को गैप भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है, तो अपन को गैप फिलिंग फर्स्ट टारगेट देखने मिल सकता है, जो कि है 21,853 का लेवल, और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 21,800 का लेवल, और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि है 21,760 का लेवल, अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि है 21,710 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 21,941 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है निफ्टी तो।
अगर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे जो कि ये वाले हैं, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 22,080 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे जो कि है 21,940 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से एक अपन को सपोर्ट की तरह काम करते हुए एक ट्रेंड लाइन देखने को मिली है जिसको अगर अपन मार्क करेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि आज के दिन भी हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट देखने को मिला है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो साथ साथ 21,941 का लेवल ब्रेकडाउन हो तो एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। अप साइड से एक अपन को ये वाली ट्रेंड लाइन अच्छी बनती हुई देखने को मिली है जिसमें कि हमें आज रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरफ भी इन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उस तरफ एक अपन को अच्छा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइन्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।